इस कार्यक्रम में को आप लोगों के सामने रखते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। यूं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक प्रकोष्ठ है सहयोग सेल, वो लगातार 12 महीने काम करता है जनता की समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए, मगर हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने इस चीज को एक नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड की तरह लिया है और हमने ये निश्चय किया है पार्टी में कि अब आज से साप्ताहिक रूप से हमारी सरकार, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी और हमारे कुछ सांसदगण, यह लोग हर शनिवार को पार्टी कार्यालय में एक जनता दरबार लगाया करेंगे जिसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है। माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इसको विस्तार से बताएं, उसके बाद माननीय मंत्री जी भी अपनी बात रखेंगे। मेरे साथ उपस्थित मेरे साथी भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उपस्थित सभी साथियों, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में जो सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे जितने प्रतिनिधि हैं वो स्वयं चलकर जनता के बीच जाकर उनकी समस्या का समाधान करवाने के लिए उपलब्ध रहते हैं। अभी लगभग 3 महीनों में भी आपने देखा होगा कि लगातार हमारे सांसद सड़कों पर जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं, लेकिन फिर भी एक अध्यक्ष के नाते हमारे पास बहुत दबाव रहता है। कार्यालय में बहुत लोग आते हैं जिनके कुछ न कुछ काम होते हैं, सभी सांसदों से तय करके एक व्यवस्था हमने आज से खड़ी की है कि भारत सरकार में हमारे दिल्ली के प्रतिनिधि श्री हर्ष मल्होत्रा जी प्रत्येक शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। सभी हमारे कार्यकर्ताओं को यह संदेश आज से जाना शुरू हो गया है और हमारे सांसद वो अपने क्षेत्रीय कार्यालय में तो रहते ही हैं, लेकिन शनिवार को वो भी अपने अपने रोस्टर के हिसाब से हर्ष जी के साथ रहेंगे और जो भी कार्यकर्ता या दिल्ली की जनता का कोई भी नुमाइंदा यहां अपनी समस्या लेकर आता है तो संबंधित विभाग से बात करना, संबंधित अधिकारियों को निर्देश देना तो कैसे हम जनता के लोगों की मदद कर सकें उस विषय में अपना योगदान देना। तो एक तरह से जो हम सेवा और समर्पण की बात करते हैं उसका सही मायनों में ये एक वो रूप है जो दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगा। तो आज पहला दिन है तो मुझे कहा गया हर्ष जी की तरफ से कि भाई मैं आपके साथ बैठूं, तो मैं हर्ष जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जितना हर्ष जी को अनुभव है क्योंकि आप पूर्वी दिल्ली के मेयर भी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं और इन जन समस्या को सुलझाने का अनुभव इनका बहुत बेहतर है और यकीन मानिए सांसद बनने के बाद और भारत सरकार में मंत्री बनने के बाद निस्संदेह उस अनुभव का फायदा दिल्ली की जनता को मिलेगा, सभी हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं हर्ष जी को बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं इस बात की देता हूं कि आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का परचम जो हम दिल्ली में लहराने का प्रयास कर रहे हैं वो संभव हो पाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इससे पहले कि हर्ष जी संबोधित करें, डॉक्टर शशि हैं जो अपनी कुछ समस्या को लेकर के आज हर्ष मल्होत्रा जी से मिलने आई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस योजना के अंतर्गत पहली सहायता लेने वाली महिला के रूप में अपनी समस्या मीडिया के समक्ष ही हर्ष जी के पास रखें। नमस्कार, सर दिल्ली में जैसे इंजरी की अगर हम बात करें, जलजरी की बात करें तो लोकल मार्केट लगती है, लोकल मार्केट जहां पर भी लगती है वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक नहीं है, कोई उस चीज का कोई रूल ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है कि इतने ही एरिया में लगनी चाहिए, उसकी वजह से ट्रैफिक जो है ट्रैफिक सबसे ज्यादा जाम रहता है।
कुछ रूल्स और कुछ गाइडलाइंस ऐसी बननी चाहिए जो वेंडर्स हैं जो लोग लगा रहे हैं वो भी अपने डेली रूटीन की लाइफ के लिए ही कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ एक सिस्टम जरूर बनना चाहिए सब चीजों के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, उपस्थित सभी साथियों, मीडिया के बंधु, पिछले 10 वर्षों में जो दिल्ली में सरकार है और पिछले 1.5 वर्ष से अब निगम भी आम आदमी पार्टी की है, दिल्ली की जनता पिछले 10 वर्षों से अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए भी त्रस्त है। पीने का पानी गंदा है, बिजली का बिल बढ़ा हुआ आ रहा है, झुग्गी झोपड़ियों में भी सड़कों की हालत जर्जर है। दिल्ली निगम जब से आम आदमी पार्टी के पास गई है, दिल्ली कूड़ा कूड़ा है। हम सभी सांसद 4 जून के बाद से और जब से हमने अपना संसदीय कार्य संभाला है, तब से देखने में आता है कि हम सब लोग अपने अपने कार्यालय में प्रतिदिन 1.5-2 घंटा जनता के लिए बैठते हैं, बात करते हैं। 98% समस्याएं दिल्ली सरकार, पीने का पानी गंदा, बिजली का बिल, मीटर ना लगना और कूड़ा, इस तरह की समस्याएं जो दिल्ली सरकार और निगम से संबंधित आती हैं। हम अधिकारियों से बात करते हैं, उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं और रिजॉल्व भी होती है। तो इसलिए में हम लोग अपने अपने कार्यालय में बैठते हैं। आज से हम हर शनिवार को, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया अभी, कि हम लोग विशेष तौर से मैं और मेरे साथ, हमारा जैसा हम तय करेंगे कि कौन से सांसद साथ में रहेंगे वो बैठेंगे, और हमारी दिल्ली बीजेपी का जो सहयोग सेल है, उनके जो ऑफिस बेयरर हैं, वो लोग भी हमारी मदद के लिए हमारे साथ बैठेंगे, ताकि दिल्ली की जनता को कोई भी समस्या दिल्ली सरकार या निगम से संबंधित भी होगी तो हम लोग उसको भी रिजॉल्व करने का प्रयास करें। इसलिए हर शनिवार को दोपहर के समय से हम बैठेंगे। अभी शशि जी ने जो बात बताई है, अल्टीमेटली फिर वही बात आती है, दिल्ली में जो साप्ताहिक बाजार हैं या रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उसके लिए पॉलिसी बननी थी दिल्ली वेंडिंग कमेटी और उसके बाद जोनल वेंडिंग कमेटी। इवन न्यायालयों ने भी कई बार दिल्ली सरकार को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वेंडर्स के जोन तय होने चाहिए, उनका समय तय होना चाहिए, कौन सी सोसाइटी में कब वेंडर्स किस समय जाएंगे, और अगर कहीं सड़क के किनारे खड़े होंगे तो वेंडिंग जोन्स तय होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि केजरीवाल साहब की जो सरकार 10 साल से चली, उन्होंने इस संदर्भ में कोई कमेटी गठित नहीं की जिसकी कोई रिपोर्ट आए और जनता को कन्वीनियंस हो सके। तो ये सारे काम बाकी हैं, हम इसके ऊपर लगातार अधिकारियों से भी बात करते हैं कि इसके वेंडिंग कमेटी बने और कमेटी के साथ उसकी रिपोर्ट आए और उसके अकॉर्डिंग वेंडर्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, उनका समय और स्थान तय किया जा सके। इस तरह की बहुत समस्याएं अभी हमारे पास लगातार भी आती हैं, जनप्रतिनिधि के नाते हम उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और हर शनिवार को यहां पर हम दिल्ली की जनता के जो भी समस्याएं आएंगी हम उनको समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कोई ना कोई सांसद भी रहेंगे।